द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत G20 समिट के दौरान खूबसूरत दिखे, शानदार दिखे, इससे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन यह खूबसूरती अगर गरीबों को कुचलने की कीमत पर आ रही है तो फिर यह निंदनीय है, चिंताजनक है। दरअसल दिल्ली को शानदार दिखाने के लिए G20 समिट के दौरान इतने व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उसके जद में जो भी आ रहा है, खास करके गरीब, उनके साथ क्रूर मजाक हो रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आई कि भारत की गरीबी छुपाने के लिए पर्दे लगा दिए गए, कवर लगा दिए गए, और जो गरीब फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें भगा दिया गया और कहा गया कि जब यह G20 समिट कार्यक्रम समाप्त हो जाए फिर से तुम सोने लगना। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो यह भी है कि सैकड़ों हजारों झुग्गियों वाले घरों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, जिसके चलते हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। ये सब कुछ G20 समिट में भारत को बेहद ही शानदार, विकासशील, एकदम से तंदुरुस्त भारत दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन इस तंदुरुस्ती में गरीबों को कुचल दिया गया। बात तो गरीबी मिटा देने की थी, लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाने का था, लेकिन गरीबी छुपा देने का और गरीबों को मिटा देने का भी कोई प्लान मोदी सरकार ने बना रखा है, इसकी उम्मीद तो हम सब नहीं कर रहे थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें न्यूज क्लिक के रिपोर्टर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बताया है कि कैसे वहां के लोगों को बेबस किया जा रहा है। पुलिस मार मार के भगा रही है कि आप यहां रह नहीं सकते, आप फुटपाथ पर नहीं सो सकते। मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक में सबके सिर पर छत दे देंगे। फिर ये लोग कौन है जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है? झुग्गी झोपड़ी थे तो उसे भी तोड़ के हटा दिया गया, ये लोग फुटपाथ पर सोते हैं और इस वक्त फुटपाथ भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। जरा एक व्यक्ति के दर्द को आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। G20 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आके रहने लग जाना आप, हैं? अभी यहाँ से नहीं हटोगे तो आपको मार के हटा दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ से। तो सुना आपने, जो रिपोर्टर यहाँ पर इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने विजुअल्स में दिखाया कि उस फुटपाथ पर रहने वालों के फैमिली भी, बच्चे भी हैं, महिलाओं की भी अपनी तकलीफ है, वहां के सदस्यों की तकलीफ है। सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है, गरीबी उन्मूलन नहीं, गरीबों का उन्मूलन हो जाए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट एकदम से संजीदगी से भरी है कि इस वक्त देश में चल क्या रहा है, देश को एकदम चकाचौंध से भर देने की कवायद है और ये नकली साज सज्जा दिखाकर हम भारत की वास्तविकता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना ताकतवर है और हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व कैसा है, भारत में क्या चल रहा है, वो सब कुछ किसी से छिपा हुआ नहीं रहता है। यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कितने खूबसूरत हैं या फिर हमारी गरीबी कितनी है। और यहाँ लोगों के साथ जो हो रहा है वो एकदम से अन्यायपूर्ण और क्रूर मजाक जैसा लगता है। एक और व्यक्ति की तकलीफ जरा आप यहाँ पर सुनिए, उनके साथ भी क्या हो रहा है। और हम लोग यहाँ सोते तो उस पर भी पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं, भैया आप लोग खाली कर दो, यहाँ सोने नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब क्या कर सकते, किससे लड़ें, कहाँ जाएं, सरकार तो हमारी साथ सुनेगी नहीं। तो सुना आपने, इन लोगों के दर्द क्या सरकार को दिखाई नहीं देती, प्रशासन को समझ नहीं आता कि इनको आप एक झटके में भगा देते हैं कहीं से भी, झुग्गी वाले घर से भी और फुटपाथ से भी, फिर किसके घर में शरण मिलने चाहिए इन लोगों को ये भी तो बता देते। यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने कहा है कि जब G20 समिट खत्म हो जाए तो फिर आ जाना, कोई नहीं रोकेगा। अब इस तकलीफ से गुजरने वाले लोगों को लेकर जब हमने खबरों की तलाश की तो हमें फ्रंट लाइन द हिंदू की एक रिपोर्ट मिली। इसमें जो कहा गया है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए कि कैसे G20 की तैयारियों ने भारत में हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। अब कैसे क्या हुआ है इसके लिए भी इस रिपोर्ट में ही आगे बढ़ते हैं। यहां बताया गया है कि सौंदर्यकरण परियोजना के आर के पीछे एक स्याह सच्चाई सामने आती है, पुलिस की बर्बरता के दुखद प्रसंगों की एक श्रृंखला। हजारों नागरिक बेघर हो गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने न केवल झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया बल्कि गरीबों के लिए बनाए गए आश्रयों को भी नष्ट कर दिया।
बस्ती सुरक्षा मंच के शकील अब्दुल ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले उदाहरणों से विपरीत जहां बेदखल किए गए लोगों को पुनर्वास की अनुमति दी गई थी, इस मामले में ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं, क्योंकि G20 समिट इस वक्त जो हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन उससे पहले टूरिज्म ग्रुप की बैठक हुई थी G20 की, और उस वक्त भी भारत में इस तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे कि गरीबों को ही भगाया जा रहा था। यह बताया गया है कि जन सुनवाई जूरी में शामिल प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, शिमला के पूर्व उप महामोर टिकेंद्र पवर और वरिष्ठ पत्रकार पामेला फिलिपोस ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की। झुग्गी झोपड़ी विध्वंस के खिलाफ जमीनी स्तर के प्रयासों के लिए समर्पित संगठन बस्ती सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि शकील अब्दुल और अब्द अकबर भी उपस्थित थे। निष्कर्षों के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के परिणाम स्वरूप अनुमानित 2.5 से 3 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। अकेले दिल्ली में लगभग 25 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया है, जिनमें यमुना बैंक, तुगलकाबाद, महारैली और गयासपुर की बस्तियां भी शामिल हैं। तो देखा आपने, इस मामले पर एक बृहत रिपोर्ट भी सामने आ गई, न्यूज क्लिक की रिपोर्ट भी आपने देखी ली है, और यहाँ पर आपने फ्रंट लाइन द हिंदू की भी रिपोर्ट देखी है। इससे साफ पता चलता है कि G20 के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी उसे सफल बनाने के लिए, लेकिन इस देश के गरीबों के लिए क्या करना है उसका कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। अब देखिए, हमने एक आज तक के हेडलाइन को बस उठाया है, 50,000 पुलिस कर्मी, G20 स्पेशल वर्दी, एंटी टेरर स्क्वाड, 16 होटलों में गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था, G20 की तैयारियों पर पढ़ें 20 अपडेट्स। ये G20 के बड़े बड़े अपडेट्स बुलेट पॉइंट में बता रहे हैं, लेकिन हेडलाइन से समझिए कि किस तरीके की व्यवस्था वहां की जा रही है। ऐसे में इन गरीबों के बारे में सरकार अगर छिपा लेगी तो क्या किसी को पता नहीं चलता है? एक तस्वीर आप देखिए कि कैसे G20 के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े कवर लगाए गए हैं, ढक दिया गया है, पर्देदारी कर दी गई है कि पीछे जो भी लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो अस्त व्यस्त तंग गलियों में रह रहे हैं उनके बारे में किसी को पता ना चले, सरकार ने इसे छिपवा दिया है, प्रशासन ने ये करतूत कर दिखाई है। और इसके बाद ही यह सवाल उठता है कि बात तो गरीबी को मिटाने की हुई थी, लेकिन गरीबों को ही मिटा दिया जाएगा या फिर गरीबी छिपा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन इस वक्त स्याह सच्चाई यही है कि G20 के नाम पर गरीबों के साथ सिर्फ और सिर्फ क्रूर अत्याचार ही हो रहा है या विभत्स मजाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोगों को इस तरीके से या बेसहारा नहीं छोड़ सकते, लेकिन इनके ऊपर और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।